सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं छुपनी चाहिए। उसका अच्छा सा कारण यही है कि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए नहीं कमाता। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। आज का पंचांग 29 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 3:16 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र दोपहर 12 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:34 से 2:58 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। तुला राशि 29 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार, दिन की शुरुआत अच्छी खबर से होगी। आप काफी समय से जिस योजना पर काम कर रहे थे वह आज फलती फूलती होगी। सहकर्मियों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। आज विष संबंधित कोई फैसला लेंगी जो भविष्य में लाभकारी साबित होगा। आज किसी तीर्थ की यात्रा भी कर सकते हैं। आज परिवार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं जो कि बहुत ही सकारात्मक परिणाम देंगी। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात बहुत ही लाभदायक रहेगी। आपके कई रुके हुए काम भी पूरे होने में सहायक होगी। जब भी जीवन में किसी काम के लिए अधिक देर लगती है तब यूनिवर्स हमें उस परिस्थिति या चीज को संभालने के लिए हर प्रकार से तैयार कर रहा होता है। जीवन शैली में उचित बदलाव लाकर लक्ष्य के प्रति बढ़ने की आवश्यकता है। व्यापारियों को अपना काम और आगे बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता है। विदेश से जुड़े कामों में रुकावट आ सकती है। अविवाहित लोगों को मनचाहा पार्टनर मिलने से और देर लगेगी। छोटा मोटा ऑपरेशन होने की आशंका है लेकिन रिकवर जल्दी होगी। सावधानियां, दिन भर कुछ व्यर्थ के कामों में भी व्यस्तता बनी रहेगी जिसकी वजह से थकान व चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। किसी को अभी पैसा उधार देते समय छानबीन अवश्य करें क्योंकि वापसी की संभावना बहुत ही मुश्किल लग रही है। बात करते हैं लव लाइफ की। व्यस्तता की वजह से अपने दाम्पत्य जीवन व परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे जिसकी वजह से उनके नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। आज आप और आपके पार्टनर दोनों ही कोई फैसला करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। संभावना है कि आज आप बैठकर आराम से अपने इस संबंध के फायदे और नुकसान की सूची बनाकर यह तय करेंगे कि आपको इसे आगे बढ़ाना है या नहीं। इस सारी लिखा पढ़ी में ऐसा हो सकता है कि आप या तो अपनी भावनाओं को कम महत्व दें या बिल्कुल ना दें, लेकिन आपको कोई भी फैसला लेने से पहले अपने दिल की भी सुननी चाहिए। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आपका जो निवेश और धन पर रहेगा अपने आप पर नियंत्रण रखें। आज के दिन संपत्ति के बारे में आप खोज खबर कर सकते हैं
और किसी भी तरह के धन वृद्धि व्यापार में ना फंसें। वेतन वृद्धि के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव ना डालें। इसके लिए अभी सही समय नहीं है। उत्तम रहेगा कि अपने वर्तमान संगठन में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की आप कोशिश करें। अपने राजनीतिक संपर्कों का व्यवसाय संबंधित गतिविधियों में सहयोग लेने के लिए उत्तम समय है। कई रुके हुए काम इससे पूरे हो सकते हैं। युवाओं को भी करियर संबंधित कोई नया अवसर प्राप्त होने की संभावना से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। आप अपनी नौकरी की मांग के चलते अस्वास्थ्यकर घंटों में भी काम करते रहे हैं। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाएं और जॉगिंग करने की कोशिश करें। इससे आपका शरीर और मन दोनों ही तरोताजा महसूस करेंगे। आपके कार्यस्थल पर काम का अधिक तनाव होने से आपकी सारी व्यवस्था गड़बड़ा रही है। आपको रिलैक्स करने के लिए कोई स्वास्थ्यकर तरीका अपनाना चाहिए। आज का उपाय, आज अब गरीबों को गेहूं का दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।